लॉर्ड की बात कर रहे हैं, नाम ही काफी है ना वीरू, क्या है बस बोल दिया तो बोल दिया। नहीं बिल्कुल, मतलब इनकी भी जो गेंदबाजी है अगर कुछ टाइम से देखे तो कमाल की गेंदबाजी रही है। ये वो टाइम में आते हैं जब विकेट नहीं मिलती और विकेट दिलाते हैं अपनी टीम को, तो जब जब मुसीबत की घड़ी आती है चेन्नई के ऊपर तब तब ये भगवान को याद किया जाता है, तो तब ये लॉर्ड ठाकुर आते हैं और तब तब ये ब्रेक थ्रू तथास्तु करके एमएस धोनी को चले जाते हैं। आशु क्या ठीक कर रहे हैं आपके हिसाब से गेंदबाजी में, टप्पा वेरिएशन क्या है, ये क्या है ये सीक्रेट सॉस जो लगाई है लॉर्ड ठाकुर ने? देखिए सबसे बड़ी जो सीक्रेट लॉर्ड ठाकुर की वो तो यही है कि जो चाहे वो लॉर्ड्स का मैदान हो चाहे कहीं का भी मैदान हो, पिछली जो श्रृंखला जो रही है उसमें उनका खेल जिस प्रकार चला है उससे देखिए आपको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। टेस्ट क्रिकेट की भी अगर आप बात करें, भारतीय टीम में आप हर जगह हैं, तो कोई भी खिलाड़ी हो कि आपका जब एक जो आपको एक इंजेक्शन चाहिए होता है ना, एक बूस्ट चाहिए होता है एज ए प्लेयर, वो उनको पिछले एक साल में मिला है और वो हमको देखने को मिल रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आईपीएल में, जो देख के बहुत अच्छा लगा। आईपीएल में बहुत बार देखा गया कि इनसे वन चेंज भी जब ये गेंदबाजी कराते थे एमएस धोनी, तो ये आते के संगीना नक्कल बॉल या कटोरियां जो हम कहते हैं उन पे आ जाते थे, अभी वो देखने को नहीं मिला है। लेंथ गेंदों पर परिस्थितियों को बेहतर समझ रहे हैं, ये ग्राउंड बड़े हैं, कि टप्पा भी इन्होंने अपना पकड़ा है अभी भी, हालांकि काफी सारी गेंदें जो है अक्रॉस सीम ही डाल रहे हैं, पर मैं कहूंगा कम से कम वो 133, 134, 135 जो वो हार्ड लेंथ डालते थे वो डालनी तो शुरू करी है। क्योंकि देखिए आते के संगी ना नए बल्लेबाज के लिए गौरव आसान नहीं होता, आप सारी ये स्लोर वन डालिए, यॉर्कर डालिए, हर समय ये मैं कहता रहता हूँ, हम चर्चा करते रहते, पर हर गेंद का एक समय होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये भली भांति अभी समझे हैं, जो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा इनका प्लस है। क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे ना कि केवल ऐसा नहीं है कि रन नहीं दिए गेंदबाजी अच्छी, अब क्या विकेट्स भी मिल रहे हैं और वो विकेट्स जो है वो सारे के सारे 19वें 20वें ओवर में नहीं है, एक तरीके की गेंद, जैसे अब हम हर्षल पटेल को देखते हैं कि वो एक तरीके की गेंदबाजी है, एक तरीके की गेंदबाजी को लगातार बहुत सक्सेस मिली है, परिस्थितियां उनके मतलब की रही है, ग्राउंड बड़े रहे हैं, लोग मारते हुए आउट हुए, पर इनके साथ ऐसा नहीं है, तो अभी वो एक स्टेप इनका बेहतर देखने को मिला जिसके लिए ये पहले जाने जाते थे। क्योंकि मैंने इनको जब शुरू में भी देखा था ना, अच्छा खासा इनका आउटस्विंग होता था और हैवी गेंद था, जो इन्होंने बीच में बिल्कुल छोड़ कर ना ये सारी जो चलाकियां जो है T20 में, जी हां इनकी आवश्यकता है बिल्कुल, पर आप अपनी ताकत को ना भूलें, जो आप कर नहीं, देखिए जो आप कर नहीं सकते वो बात अलग है, अगर आज हर्षल पटेल हैं, ब्रावो हैं, हम उनसे अपेक्षा नहीं रख रहे, लॉर्ड से तो रख सकते हैं ना, और जो अपेक्षा आपने रखी है पिछले एक साल की अगर आप बात कर ले और इस आईपीएल की आप बात कर ले, तो उनपे वो बिल्कुल खड़े उतरे और बहुत अहम अहम विकेट्स लिए हैं। विकेट तो एक चीज है, ये जो बड़े महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलाए हैं जब भी वो वन चेंज गेंदबाजी कर रहे हैं या टू चेंज गेंदबाजी कर रहे हैं।